एवरी वन वेलकम टू कॉन्सेप्ट बुस्टर क्लास डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पंचायती राज को डिस्कस किया था इट इज अस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया द पंचायती राज सिस्टम ऑल्सो नोन एज थ्री टायर सिस्टम द फर्स्ट टायर इज द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द मिडल टायर इज नोन एज द पंचायती पंचायत समिति एट द बेज ऑफ तहसील एंड द लास्ट वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पंचायतीराज सिस्टम इज ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल इन तीन पहिए की गाड़ी को हमने डिस्कस किया था सो डियर स्टूडेंट आज हम इस तीन पहिए की गाड़ी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और गाँव से शहर की ओर चलते हैं आज हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया सो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम अर्बन एरिया को कैटेगराइज करेंगे कि अर्बन एरिया किसे कहते हैं और कौन से एरिया अर्बन कहलाते हैं इसको बहुत ही इजी वे में हम एक फ्लो चार्ट में इसको हम कैटेगराइज करेंगे सबसे पहले है आपका स्मॉल टाउन स्मॉल टाउन स्मॉल टाउन्स क्या होते हैं स्मॉल टाउन्स वो होते हैं जो गांव से चेंज होकर के और शहर की तरफ बढ़ते हैं यानी कि गांव की फैसिलिटीज़ से वहां पर शहर की फैसिलिटीज़ इंक्लूड होने लग जाती है पॉपुलेशन ज़्यादा होने लग जाती है वहाँ की नीड्स वहाँ की प्रॉब्लम इंक्रीज होने लग जाती है और वो गांव के रूप से शहर का रूप लेना शुरू कर देते हैं तो अगर हम दूसरे शब्द में कहें इन दैट अदर वे वर्ड वी कैन से दैट बिगर देन बिगर देन अ विलेज एंड स्मॉलर देन स्मॉलर देन अ सिटी शहर से तो छोटा और गांव से बड़ा इस तरीके के एरिया को हम स्मॉल टाउन कहते हैं और इन स्मॉल टाउन को मैनेज करने के लिए यहाँ की जो सेल्फ गवर्नमेंट है इट इज़ कॉल्ड नगर पंचायत नगर पंचायत जिसको वहाँ के लोकल लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करके लोकल पीपल के वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स को बेसिक एम्यूनिटीज़ को और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसके बाद में अगर अर्बन एरिया की सेकेंड कैटेगरी को हम कैटेगराइज करें तो उसमें आता है आपका स्मॉल सिटीज यानी कि आपके टाउन से बड़े जो स्मॉल टाउन अभी हमने डिस्कस किया था उस स्मॉल टाउन से बड़े कहलाते हैं आपके स्मॉल सिटीज और इन सब का जो साइज है टाउन और सिटीज़ इनकी जो एरिया है वो वहाँ की पॉपुलेशन से मेज़र की जाती है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं कितना एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है कितने डेंसली वो वहाँ पे लोकेटेड हैं उसके अकॉर्डिंग हम टाउन्स और सिटीज़ में उनको कैटेगराइज करते हैं फिर दूसरा आपका स्मॉल टाउन्स है स्मॉल टाउन्स के बाद में स्मॉल सिटीज़ है स्मॉल सिटीज़ को बेसिकली मैनेज करने के लिए म्यूनिसपल काउंसिल बनाई जाती है जिसको हम म्यूनिसपल कमेटी भी कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी बोथ आर वर्किंग इन स्मॉल सिटीज और स्मॉल सिटीज की जो कैटेगरी है वो अगर हम देखें कि स्मॉल सिटीज क्या होते हैं तो वहां की पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है वो है आपकी अराउंड वन लाख यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन से हम स्मॉल सिटीज़ को बना मानना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे स्मॉल सिटीज़ हैं जिसको जिसके मैनेजमेंट के लिए हमने म्यूनिसपल काउंसिल और म्यूनिसपल कमेटी को हमने कंसिस्ट किया उसके बाद बारी आती है हमारी थर्ड कैटेगरी की और थर्ड जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है अर्बन एरिया की वो है आपके बिग सिटीज़ बड़े शहर और इन बिग सिटीज़ को हम मेट्रोपोलिटियन सिटीज़ भी कहते हैं जितने बड़े शहर हैं उतनी ही बड़ी इनकी ज़रूरत होती है और इनकी बेसिक नीड बेसिक एमिनिटीज के साथ साथ वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि वहाँ के लोगों का रहन सहन उनका जो अदर uh, एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी डिफर होती है फ्रॉम दिस स्मॉल टाउन्स और स्मॉल सिटीज़ तो वहाँ की बेसिक एम्यूनिटीज़ के साथ साथ में वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन है एजुकेशन फैसिलिटी है हेल्थ फैसिलिटी है और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी उनको वहाँ पर स्पेशली प्रोवाइड करवाई जाती है तो यहाँ की बेसिक अम्यूनिटीज़ के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए जो गवर्नमेंट यहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपके बड़े शहरों को मैनेज करने के लिए वहाँ के जो लोकल पीपल हैं जो पॉपुलेशन है जो उस मेट्रोपोलिटन सिटी में रहती है वो अपने ही बीच में से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में चूज़ करती है इसे हम कहेंगे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन जो स्पेशली आपके बड़े शहर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वर्क करती है अगर आपको बिग सिटीज के अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दू तो आप बता सकते हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई दीज आर द मेट्रोपोलिटियन सिटी ये सारे मिलकर के अलग अलग लेवल पर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और अपने एरिया को अर्बन एरिया को मैनेज करते हैं अब इनके ऊपर बात आती है कंट्रोल की कि ये जो गवर्नमेंट है चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो या आपके अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इनके ऊपर कंट्रोल कैसे होता है ये जो भी वर्क करते हैं उनको वॉच कौन करता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन पर वॉच करती है और पंचायती सिस्टम से लेकर के अर्बन एरिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट ऑफिसर्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो इनके हर एक वर्क को वॉच करते हैं इसी तरीके के हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें थैंक यू सो मच